Dear students, a very warm welcome to all of you in my today's lecture of business statistics. In today's lecture, we will discuss upon conditional probability and Bayes theorem. तो सबसे पहले बात करते हैं हम conditional probability के बारे में. क्या concept है conditional probability का, क्या statement है इसका. Let A and B be two dependent events associated with a random experiment. Then the probability of occurrence of A under the condition that B has already occurred and PB is not equal to zero is called the conditional probability and it is denoted by P of A upon B. यानी कि अगर ये मान लीजिए कि दो इवेंट्स हैं A और B और दोनों इवेंट्स कैसी हैं, डिपेंडेंट इवेंट्स हैं और दोनों जो इवेंट्स हैं वो एक रैंडम एक्सपेरिमेंट से एसोसिएटेड हैं. तो अगर हमें इस बात की प्रॉबलिटी निकालनी हो कि ए अकर हो रही है जबकि बी ऑलरेडी अकर्ड हो चुकी है और पी बी जीरो के बराबर नहीं है, तो हम इसको कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का नाम देते हैं और इसको पी ए अपॉन बी से डिनोट किया जाता है. दस पी ऑफ ए अपॉन बी का मतलब होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ ए गिवन दैट बी हैज़ ऑलरेडी हैपेंड और पी बी अपॉन ए का मतलब होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ बी गिवन दैट ए हैज़ ऑलरेडी हैपेंड. तो अगर मुझे ए के अकरेंस की प्रोबेबिलिटी निकालनी है जबकि बी ऑलरेडी अकर्ड हो चुकी है तो इसको हम पी ए अपॉन बी से डिनोट करेंगे और इसका प्रॉपर फॉर्मूला होता है पी ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाई पी ऑफ बी या फिर एन ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाई एन ऑफ बी. और अगर मुझे बी के अकर होने की प्रॉबलिटी को डिटरमाइन करना हो जबकि ए ऑलरेडी अकर हो चुकी है तो इसको हम पी बी अपॉन ए से डिनोट करते हैं और इसको डिटरमाइन करने का फॉर्मूला होता है पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी ऑफ ए या फिर एन ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाई एन ऑफ ए. तो इस पर्टिकुलर फॉर्मूले के हेल्प से हम किसी एक पर्टिकुलर इवेंट के अकर होने की प्रॉबलिटी को डिटरमाइन कर सकते हैं जबकि दूसरी इवेंट जो कि उसकी डिपेंडेंट इवेंट है वो ऑलरेडी अकर्ड हो चुकी है. दैट इज क्लियर. कंडीशनल प्रॉबलिटी को हम कुछ पर्टिकुलर एग्जाम्पल्स के हेल्प से डिस्कस करेंगे जिसमें मैं पहला एग्जाम्पल आपसे डिस्कस कर रहा हूँ. टू डाइज आर थ्रोन साइमल्टेनियसली एंड द सम ऑफ द नंबर्स ऑब्टेंड इज फाउंड टू बी 7. वॉट इज द प्रॉबलिटी दैट द नंबर 3 हैज अपियर्ड एट लीस्ट वंस. क्वेश्चन समझा देता हूँ आपको मैं, क्या है क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट. दो डाइज दो पासे फेंके गए हैं एक साथ और उनका जो सम है वो 7 आया. अब आपको इस बात की प्रॉबलिटी बतानी है कि जो तीन नंबर है वो कम से कम एक बार अपियर जरूर हुआ हो और सम कितना होना चाहिए, 7 होना चाहिए. ठीक है, तो आपको तीन नंबर के अपियर होने की प्रॉबलिटी निकालनी है जबकि जो टोटल है दोनों पासों पर वो 7 के बराबर है. तो कंडीशनल प्रॉबलिटी अप्लाई होगी यहाँ पर. तो सबसे पहले तो हम सैम्पल स्पेस को डिटरमाइन करेंगे क्योंकि दो डाइस को आप थ्रो कर रहे हैं तो दो डाइस को थ्रो करने में जो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल कॉम्बिनेशन होंगे वो होंगे 6×6 यानी कि 36 कॉम्बिनेशन होंगे. पहले पासे पर 1, दूसरे पर 1, तो 1,1, 1,2, 1,3, अप टू डैश 1,6 तक, ऐसे ही 2,1, 2,2, 2,3, 2,6 तक, ऐसे ही 3,1, 3,2, अप टू डैश 3,6 तक और लास्ट में लेके जाओ इसको 6,1, 6,2, 6,3, अप टू डैश 6,6 तक. तो टोटल कितने इवेंट्स पॉसिबल होंगी, 36 इवेंट्स पॉसिबल होंगी यानी कि एस की वैल्यू हो जाएगी 36, ये हमें पता ही है. चलिए ठीक है, अब मान लीजिए इवेंट ए हमने मान ली जो इंडिकेट करता है उस कॉम्बिनेशन को जिसमें 3 कम से कम एक बार अपियर जरूर हुआ है. ठीक है, इवेंट बी इंडिकेट करता है उन पर्टिकुलर नंबर्स के कॉम्बिनेशन को जहां उन दोनों का सम कितना है, 7 के इक्वल है. इसके बाद अब ए की बात करते हैं तो ए में 3 नंबर अपियर होगा, इसके पॉसिबल नंबर्स निकाल लेते हैं क्या क्या होंगे. 3,1 होगा, 3,2 होगा, 3,3, 3,4, 3,5, 3,6 होगा, ऐसे ही 1,3 होगा, 2,3 होगा, एटलीस्ट 1 की बात करना है केवल, 3,3 काउंट नहीं करेंगे. ठीक है, तो 4,3 होगा, 5,3 होगा और 6,3 होगा. तो कितने कॉम्बिनेशन आ गए, 11. यानी कि इवेंट ए के इंडिविजुअल बेसिस पर अकर होने की प्रॉबिलिटी कितनी हो गई, दैट इज 11/36. ठीक है, हमने इवेंट भी मानी है जिसमें सम 7 के बराबर है तो वो कॉम्बिनेशन देख लेते हैं जहाँ 7 सम होगा. 1,6,
2.5, 3.4, 4.3, 5.2, 6.1. ये वो कॉम्बिनेशन होंगे यहाँ सम कितना होगा 7 के इक्वल होगा। तो टोटल कितनी इवेंट्स आएंगे यहाँ पर, ये 1, 2, 3, 4, 5, 6 इवेंट साइज के फेवर में। तो फेवरेबल इवेंट्स हैं 6 और टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स है 36, प्रोबेबिलिटी जाएगी 6/36। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब क्वेश्चन आता है ए इंटरसेक्शन बी का, इन दोनों से देखिए कॉमन कितने हैं, जिसमें 7 सम भी हैं और 3 भी अपीयर हुआ है, तो 3.4 और 4.3 दो ही ऐसे इवेंट्स हैं जिसका सम भी 7 है और 3 एक बार अपीयर हुआ है कम से कम। तो ए इंटरसेक्शन बी कितना हो गया, दैट इज इक्वल टू 2। ठीक है, चलिए अब आगे बात करते हैं। यहाँ पर इसका मतलब पी ए इंटरसेक्शन बी कितना हो जाएगा, 2/36। ठीक है, अब हमें निकालना क्या है, अब हमें कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा जो हम निकालना चाह रहे हैं। हमें निकालना है पी ऑफ ए अपॉन बी, यानी कि हम निकालेंगे द कॉम्बिनेशन 3 के अपीयर होने की प्रोबेबिलिटी, जबकि सम कितना होना चाहिए 7। तो पी ऑफ ए अपॉन बी निकालना है, तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या है यहाँ पर, पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाई पी ऑफ बी। अब पी ए इंटरसेक्शन बी कितना यहाँ पर हमने निकाला है, दैट इज इक्वल टू 2/36 और पी ऑफ बी कितना निकाला है आपने, 6/36। 36 से 36 कैंसिल हो जाएगा, 2/6 बचेगा और 2/6 का मतलब 1/3। तो इस तरह से जो हमारा आंसर रहेगा वो रहेगा 1/3। तो 1/3 प्रोबेबिलिटी होगी जो द नंबर है 3 हैज अपीयर्ड एट दिस वन एंड द सम ऑफ द नंबर्स ऑब्टेंड इज फाउंड टू बी 7। क्लियर हो गया यहाँ तक हमारा एग्जाम्पल। चलिए अभी एक और एग्जाम्पल डिस्कस कर लेते हैं इसके रिलेशन में। एग्जाम्पल जो दे रखा है, इन अ ग्रुप ऑफ 100 कंप्यूटर बायर्स 40 बाउट CPU, 30 परचेज मॉनिटर एंड 20 परचेज CPU एंड मॉनिटर्स बोथ। इफ अ कंप्यूटर बायर चूज एट रैंडम एंड बाउट अ CPU, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दे ऑल्सो बाउट अ मॉनिटर। तो हमें इस बात की प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि जो परचेज कर रहा है, जो बायर है, उसने CPU को बाउट किया है, और इस बात की प्रॉब्लम निकालनी है आपको कि उसने मॉनिटर को भी बाउट किया है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम देखते हैं कि CPU के रेफरेंस में 100 में से 40 CPU परचेज कर रहे हैं, तो CPU के परचेज करने की प्रॉब्लम कितनी हो गई, 40%, यानी कि 0.4 हो गई। 20 बायर्स क्या कर रहे हैं, CPU और मॉनिटर दोनों परचेज कर रहे हैं, तो ये दोनों इवेंट्स का इंटरसेक्शन हो गया। तो इसका मतलब पी ए इंटरसेक्शन बी इजिकल टू 20%, यानी कि 0.2 हो जाएगा, क्योंकि हमने बी मान लिया है CPU, ए मान लिया है CPU को परचेज कर रहा है और बी मान लिया है मॉनिटर को परचेज कर रहा है। तो ए इंटरसेक्शन बी कितना आएगा, CPU और मॉनिटर दोनों को परचेज कर रहा है वो कितने हैं, 20% है, तो 20% का मतलब कितना हो गया 0.2। ये पी ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू आ गई। यहाँ तक क्लियर हो गया हमारे पास। अब हमें कंडीशनल प्रॉबर्टी का फॉर्मूला लगाना है, क्योंकि हम क्या निकालना चाहते हैं, पी बी अपॉन ए निकालना चाहते हैं, हम निकालना चाहते हैं व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दे ऑल्सो बाउट अ मॉनिटर। इस बात की प्रोबेबिलिटी निकाली है कि उन्होंने मॉनिटर भी परचेज किया है और मॉनिटर की प्रोबेबिलिटी क्या है, बी, जबकि उन्होंने पहले CPU परचेज कर लिया है, तो डिवाइड बाय ए हो गया, ए CPU को परचेज करने की प्रोबेबिलिटी है, तो पी बी अपॉन ए इसी वजह से निकालना है आपको। तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा इसका, पी ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाई पी ऑफ बी। चलिए अब पी बी अपॉन ए कितना है आपका, पी बी अपॉन ए, तो पी इंटरसेक्शन बी कितना है आपका, दैट इज इक्वल टू 0.2 और अपॉन पी ऑफ बी 0.4, डिवाइड कर दिया इसको है ना, तो ये कितना आ गया 2/4, यानी कि 1/2, यानी कि 0.5 आ गया, यानी कि 50% प्रोबेबिलिटी इस बात की होगी कि जिन्होंने मॉनिटर परचेज किया है उन्होंने CPU को भी परचेज किया होगा। ऐसी प्रॉबर्टी कितनी आ गई, वो 50% के बराबर प्रॉबर्टी आ गई। ठीक है, क्वेश्चन क्लियर हो गया। अब हम आगे बात करते हैं। नाउ वी कम टू द नेक्स्ट थ्योरम एंड दिस इज अबाउट द बेस थ्योरम। तो क्या है बेस थ्योरम के स्टेटमेंट, पहले उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। इन स्टैटिस्टिक्स एंड प्रॉबर्टी थ्योरी द बेस थ्योरम ऑल्सो नोन एज द बेस रूल इज अ मैथमेटिकल फॉर्मूला यूज्ड टू डिटरमाइन द कंडीशनल प्रॉबर्टी ऑफ events. Essentially, the Bayes theorem describes the probability of an event based on prior knowledge of the conditions that might be relevant to the event. तो statistics और probability theory में सबसे ज़्यादा use किया था Bayes theorem का, जिसे हम Bayes rule के नाम से भी जानते हैं।
जो इवेंट्स कंडीशनल प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड होती हैं उनको डिटरमाइन करने के रेफरेंस में हम बेस थ्योरम का यूज़ करते हैं। एक्चुअली होता क्या है कि जो भी कंडीशंस दे रखी हैं आपके पास उनके बारे में आपके पास पहले से ही नॉलेज होती है और उस नॉलेज का यूज़ करते हुए हम प्रोबेबिलिटी को डिस्क्राइब करते हैं विद द हेल्प ऑफ द बेस थ्योरम। जो बेस थ्योरम है इसको इंग्लिश स्टैटिस्टिशियन थॉमस बेस के नाम पर बेस थ्योरम का नाम दिया गया है और उन्होंने इस पर्टिकुलर फॉर्मूले को 1763 में डिस्कवर्ड किया था। इसके लिए इन्होंने एक स्पेशल स्टैटिस्टिकल इन्फ्रेंस अप्रोच का यूज़ किया था जिसको बेस इन्फ्रेंस का नाम दिया जाता है। एक प्रॉपर फॉर्मूला दिया गया था बेस के द्वारा। बेस थ्योरम को हम एक प्रॉपर फॉर्मूले के बेसिस पर डिफाइन कर सकते हैं। क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ द इवेंट ए व्हाइल बी हैज ऑलरेडी अकर्ड, यानी कि पी ऑफ ए अपॉन बी इज डिटरमाइंड बाय यूजिंग द फॉर्मूला पी ऑफ बी अपॉन ए मल्टीप्लाइड बाय पी ऑफ ए डिवाइडेड बाय पी ऑफ बी। जहां बात कर लेते हैं यहां पर पी ऑफ ए अपॉन बी का मतलब क्या होता है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए अकरिंग गिवन इवेंट बी हैज अकर्ड। पी बी अपॉन ए का मतलब होता है द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बी अकरिंग गिवन इवेंट ए हैज अकर्ड। पी ए का मतलब है द प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरिंग इवेंट ए। पी बी का मतलब है द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बी अकरिंग। यहां पर एक नोट करने वाली बात क्या है कि जो ए और बी हैं ये ऐसी इवेंट्स हैं इनडिपेंडेंट इवेंट्स हैं, यानी कि जो प्रोबेबिलिटी ऑफ द आउटकम ऑफ इवेंट ए है वो किसी भी तरीके से प्रोबेबिलिटी ऑफ द आउटकम ऑफ इवेंट बी पर डिपेंड नहीं करता है। पॉइंट क्लियर हो गया? चलिए हम आगे बात करते हैं। इसका एक प्रॉपर स्टेटमेंट है, ये तो एक फॉर्मूला दे दिया यहाँ पर हमने, अब बेस थ्योरम का एक प्रॉपर स्टेटमेंट है उसके अकॉर्डिंग क्या है। मान लीजिए एक सैम्पल स्पेस एस है और उस सैम्पल स्पेस एस में डिफरेंट इवेंट्स आपको दे रखे हैं e1, e2, e3 अप टू डैश en, जहाँ जो e1, e2, e3 अप टू डैश en इवेंट्स हैं इनकी वैल्यू कभी भी जीरो नहीं है, यानी कि ये नॉन जीरो प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस वाली इवेंट्स हैं और इनको कंबाइन कर दिया जाए अगर तो ये एस के बराबर है। यानी हम कह सकते हैं ईच एंड एवरी इवेंट इज द पार्ट ऑफ सैम्पल स्पेस एस। अब मान लीजिए कोई एक इवेंट ऐसी है ए जो एस से एसोसिएटेड है, तो फिर बेस थ्योरम के अकॉर्डिंग अगर हमें किसी भी पर्टिकुलर इवेंट ई के अकर होने की प्रोबेबिलिटी निकालनी हो जबकि ए जो कि एस से ही एसोसिएटेड है वो ऑलरेडी अकर्ड हो चुकी हो, तो इसके लिए फॉर्मूला है पी ऑफ ई आई अपॉन ए इज इक्वल टू पी ऑफ ई आई इंटू पी ऑफ ए अपॉन ई आई डिवाइडेड बाय समेशन के इज इक्वल टू 1 to n पी ऑफ ई के इंटू पी ऑफ ए अपॉन ई के, जहाँ के का मतलब क्या होता है 1, 2, 3 अप टू डैश n नंबर्स तक। अब जैसे मान लीजिए कि तीन इवेंट्स दे रखी हो अगर e1, e2, e3 और मुझे इवेंट e2 के अकर होने की प्रॉबर्टी निकालनी हो जबकि ए ऑलरेडी अकर्ड हो चुकी हो, तो इसका फॉर्मूला बनेगा पी ऑफ e1 अपॉन ए इज इक्वल टू पी ऑफ e1 इंटू पी ऑफ ए अपॉन e1 डिवाइडेड बाय पी ऑफ e1 इंटू पी ऑफ ए अपॉन e1 प्लस पी ऑफ e2 इंटू पी ऑफ ए अपॉन e2 प्लस पी ऑफ e3 इंटू पी ऑफ ए अपॉन e3। और इस फॉर्मूले का यूज करते हुए हम e1 के अकर होने की प्रॉबर्टी को डिटरमाइन कर लेंगे जबकि ए ऑलरेडी अकर्ड हो चुकी है। ठीक है, अब बेस थ्योरम को हम कुछ पर्टिकुलर फॉर्मूला के बेसिस पर भी डिस्कस कर सकते हैं। जैसे मैंने एक एग्जांपल यहाँ पर दिया है, एग्जांपल के बेसिस पर डिस्कस करेंगे इसको हम। एग्जांपल क्या है, अ बैग फर्स्ट कंटेन्स 4 white and 6 black balls व्हाइल अनदर बैग सेकंड कंटेन्स 4 white and 3 black balls। वन बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम वन ऑफ द बैग्स एंड इट इज फाउंड टू बी ब्लैक, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट वॉज ड्रॉन फ्रॉम बैग फर्स्ट। ठीक है, तो सॉल्यूशन देख लेते हैं इसका किस तरह से निकलेगा। सबसे पहले तो हमने मान लिया कि जो इवन इवेंट है वो बैक फर्स्ट से कनेक्टेड है, यानी कि हम एक बॉल को चूज कर रहे हैं बैक फर्स्ट से, उसकी हमने प्रॉबर्टी उसके हमने इवेंट मान ली इवन, और ई टू हमने इवेंट मान ली कि हम बॉल को बैक सेकेंड से चूज कर रहे हैं, और ए हमने इवेंट मान ली कि जो ड्रॉ की गई है बॉल वो ब्लैक है। ठीक है, तो इसका मतलब प्रॉबर्टी ऑफ इवन इजिकल टू प्रॉबर्टी ऑफ ई टू इजिकल टू 1/2, क्योंकि दो ही बैग हैं, तो एक बैग में से
बॉल ड्रॉ की जाएगी उसकी प्रॉबर्टी कितनी आएगी 1/2, और दूसरे पैकेट में से बॉल ड्रॉ की जाएगी इसकी प्रॉबर्टी भी कितनी आएगी 1/2। अब हम निकालते हैं प्रॉबर्टी ऑफ ड्रॉइंग द ब्लैक बॉल फ्रॉम बैक फर्स्ट। तो पी ए अपॉन ई वन से डिनोट करेंगे इसको। तो फर्स्ट में 4 वाइट और 6 ब्लैक, यानी 10 बॉल्स हैं। तो 10 में से एक ब्लैक बॉल को निकालने की प्रॉबर्टी कितनी आएगी 6/10 आएगी, क्योंकि 6 ब्लैक बॉल्स हैं। तो प्रॉबर्टी आएगी 6/10 यानी कि 3/5। ऐसे ही हम निकालो पी ए अपॉन ई टू, यानी कि ब्लैक बॉल को ड्रॉ किया गया है और यह सेकेंड बैक में है, सेकेंड बैक से ड्रॉ किया गया है। तो देखो कितनी बॉल है, 4 वाइट 3 ब्लैक, यानी 7 बॉल्स हैं सेकेंड बैक में और 3 ब्लैक बॉल्स हैं। तो प्रॉबर्टी कितनी आएगी 3/7 आएगी। ठीक है, अब आगे बात करते हैं। अब हमें यहाँ पर बेस थ्योरम का यूज़ करना है और हम इस बात की प्रॉपर्टी निकालेंगे कि जो ब्लैक बॉल ड्रॉ की गई है वो बैक फर्स्ट से बिलोंग करती है, इस बात की प्रॉपर्टी। तो इसको हम डिनोट करेंगे पी ऑफ ईवन अपॉन ए से, क्योंकि ईवन क्या है, ड्रॉइंग अ ब्लैक बॉल फ्रॉम बैक फर्स्ट। तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, पी ईवन अपॉन ए का पी ऑफ ईवन इंटू पी ऑफ ए अपॉन ईवन डिवाइडेड बाई पी ऑफ ईवन इंटू पी ऑफ ए अपॉन ईवन प्लस पी ऑफ ई टू इंटू पी ऑफ ए अपॉन ई टू। पीछे हमने कैलकुलेशन करी थी तो उसमें पी ऑफ ईवन की वैल्यू थी 1/2 और पी ऑफ ए अपॉन ईवन की 3/5। ठीक, ऐसे पी ऑफ ईवन 1/2 इंटू 3/5, पी ऑफ ई टू 1/2, पी ऑफ ए अपॉन ई टू 3/7। जब इनको आप प्रॉपरली सॉल्व करोगे देन यू विल गेट द वैल्यू इक्वल टू 7/12। तो 7/12 विल बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग अ ब्लैक बॉल फ्रॉम बैक फर्स्ट आउट ऑफ टू बैक्स। दैट इज क्लियर। चलिए अब आगे बात करते हैं, हम एक और एग्जाम्पल डिस्कस कर लेते हैं इसके रेफरेंस में। एग्जाम्पल 2 दे रखा है आपको। अ मैन इज नोन टू स्पीक द ट्रुथ 2 out of 3 टाइम्स, ही थ्रोज अ डाई एंड रिपोर्ट्स दैट द नंबर ऑब्टेंड इज अ 4, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर ऑब्टेंड इज एक्चुअली अ 4। क्वेश्चन कह रहा है आपसे, समझाता हूँ क्वेश्चन क्या कह रहा है। एक बंदा 3 में से 2 बार ट्रुथ बोलता है, ये 3 स्टेटमेंट दिए तो 2 स्टेटमेंट उसके ट्रू होते हैं और एक स्टेटमेंट गलत होता है। अब जब वो स्टेटमेंट दे रहा होता है तो एक डाई फेंकता है, वो पासा फेंकता है और उस पर वो 4 मिलता है उसे। तो आपको ये प्रॉबर्टी बतानी है कि जो पर्सन है उसने एक्चुअल में 4 ऑब्टेन किया है, इस बात की प्रॉबर्टी क्या होगी। तो पहले तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर सपोज करेंगे कि ए वो इवेंट है जिसमें मैन रिपोर्ट करता है कि जो नंबर ऑब्टेन किया गया है वो 4 है। ठीक है, ईवन वो इवेंट है जिसमें 4 इज ऑब्टेंड, और E2 क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट है, यानी कि 4 इज नॉट ऑब्टेंड। तो A और E1 में डिफरेंस है। A में क्या कर रहा है, रिपोर्ट कर रहा है कि 4 ऑब्टेंड किया गया है, E1 क्या है, एक्चुअल में 4 आया है। तो E2 क्या होगा, एक्चुअल में 4 नहीं आया है, तो कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट होगी इसकी। ठीक है, तो P ऑफ E1 कितना होगा, P ऑफ E1 का मतलब 4 आ रहा है, तो 4 कहने की प्रॉबर्टी कितनी होगी 1/6। और पी ऑफ ई टू क्या जाएगा, 1 - P of E1, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री है दोनों एक दूसरे के, कि 4 अकर नहीं हो रहा है, तो 1 - 1/6 यानी कि 5/6 प्रॉबर्टी हो जाएगी इसकी। चलिए तो आप निकालते हैं P of A1 का मतलब मैन ने रिपोर्ट करा कि 4 है और एक्चुअल में 4 आ रहा है, तो प्रॉबर्टी कितनी इसकी ट्रू बोलने की, 2/3 है। ठीक है, अब P of A/E2 निकालते हैं, प्रॉबर्टी कि मैन ने रिपोर्ट करा 4 आया लेकिन वो 4 नहीं है, तो 1 - 2/3 हो जाएगा, और 1 - 2/3 का मतलब 1/3 हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। अब हम यहाँ यूज़ करेंगे बेस थ्योरम और ये बताएंगे कि इस बात की प्रॉबर्टी कि जो नंबर ऑब्टेंड है वो एक्चुअल में 4 है, तो इसकी प्रॉबर्टी निकलेगी P of E1 upon A से। अब फॉर्मूला क्या रहेगा, P of E1 into P of A upon E1 डिवाइडेड बाई P of E1 into P of A upon E1 प्लस P of E2 into P of A upon E2। ठीक है, अब वैल्यूज पुट अप कर दीजिए, P of E1 1/6, A upon E1 2/3 डिवाइड बाय 1/6 × 2/3 प्लस P of E2 5/6, P of A upon E2 1/3। जब सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के बाद ये वैल्यू आ जाएगी आपके पास इक्वल टू 2/7। तो 2/7 इज द प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर ऑब्टेंड इज एक्चुअली अ 4। तो इस तरीके से हम बेस थ्योरम से रिलेटेड क्वेश्चंस को प्रॉपरली सॉल्व कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।